second year students. Today we are start Supreme Court. What do you mean by the Supreme Court? What is the Supreme Court? सरकार दे तीन अंगां दे विच्चों कार्यपालिका, विधान पालिका ते न्यायपालिका। जिहड़ी न्यायपालिका है उस दे विच आउंदे ने बेटा सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट। ठीक है, जिहड़ी अपनी सुप्रीम कोर्ट है इसनू गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र दी वॉचडॉग ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र दी पहरेदार या स्वतंत्रता दी समर्थक भी कहा जाता है। क्योंकि बेटा साड़ी जिहड़ी न्यायिक व्यवस्था है ये साड़े संविधानिक ढांचिआं नूं एक व्यवहारिक रूप दिंदी है, एक न्यायिक रूप दिंदी है। क्योंकि बेटा अगर यह न्याय व्यवस्था ना होवे तां साड़े अधिकार, साड़े कर्तव्य और सानू जो भी राइट्स मिले हुए ने वह सारे कोई मायने नहीं रखांदे। ठीक है, भारतीय न्याय प्रणाली दियां विशेषतावां ने। नंबर वन, सिंगल जुडिशियल सिस्टम। इसका मतलब है कि भारत दे विच एक हरी न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत विच सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधीन हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अधीन यानी कि जिला पद्धर दियां अदालतां ने। और इसका मतलब की है कि बेटा जिला पद्धर दी अदालतों के खिलाफ हाई कोर्ट दे विच अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट ने अगर तुहाडे खिलाफ कोई कार्रवाई की या हाई कोर्ट दे विच तुसी हाई कोर्ट दे फैसले तो संतुष्ट नहीं हो तो तुसी जिहड़ा हैगा सुप्रीम कोर्ट दे विच अपील कर सकते हो। जुडिशरी हैज़ बीन सैपरेटिड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका नूं कार्ज साधका यानी कि कार्यपालिका तो वखरा किया गया है ताकि न्याय व्यवस्था नूं प्रॉपर और इंडिपेंडेंस ढंग नाल चलाया जा सके कि किसी के प्रेशर के अधीन आके न्यायपालिका जिहड़ी हैगी अपने डिसीजनस ना लवे। उस तो बाद बेटा प्रोविजनस टू मेक जुडिशरी इंडिपेंडेंट, न्यायपालिका नूं स्वतंत्र बनाउण दीआं व्यवस्थावां। किस तरह कि व्यवस्थावां ने जिहदे अंडर न्यायपालिका अपना काम पूरी तरह इंडिपेंडेंस तरीके नाल करदी है। नंबर वन, कि जजां दीआं नियुक्तियां संविधानिक अनुसार निश्चित योग्यतावां दे आधार ते कीती जांदी, यानी कि जिहड़े फैसला करन वाले जज ने उहनां दीआं नियुक्तियां जो साडे संविधान दे विच व्यवस्थावां दित्तियां गईआं ने उहदे अकॉर्डिंगली कीती जांदी है। सैकेंड, जजां नूं अहुदे तों वख करन दी औखी विधि अपनाई गई है। औखी विधि का मतलब है कि जजां नूं उहनां दी पदवी तों हटाना या उहनां नूं सस्पेंड करना इन्ना सौखा नहीं है। इस दे लई जजा दे खिलाफ अविश्वास पत्र जिहड़ा हैगा उह संसद दे विच आंदा है। जदों संसद दे दोनों सदन उहनूं दो तिहाई बहुमत नाल पास कर देंदे ने ओनली दैन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस नूं उहनां दी पदवी तों हटाया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। जजां दा कार्यकाल बाकी सेवावां नालों लंबा है। अपने जुडिशियल सिस्टम नूं एक वधिया प्रॉपर ढंग नाल बनाउण दे लई जिहड़े साडे जजेस ने उहनां दी जिहड़ी रिटायरमेंट है या कार्यकाल है वह भी 65 ईयर्स यानी कि सब तों लंबा रख्या गया है। जजां दे कार्यकाल दौरान उहनां दीआं तनखावां ते पत्ते घट नहीं कीते जा सकते। क्योंकि बेटा अगर सैलरीज़ या जो भी उन्होंने कंपनसेशन मिलती है अगर वो कट कर दित्तियां जान तो जजेस अपना काम प्रॉपर तरीके नाल नहीं कर सकते। क्योंकि बेटा हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई मनी माइंडेड है। अगर उन्हां दीआं सैलरीज़ कट होणगीआं तो किसी भी करप्शन या किसी भी लालच दे विच आके अपना फैसला सुना सकते ने। रिटायर होण दे पिछों जज वकालत नहीं कर सकते, यानी कि जजेस जिहड़े हैगे ने उह वकालत नहीं कर सकते जदों उह रिटायर हो जाण। क्योंकि उन्हां नूं न्यायिक व्यवस्था बारे सब कुछ पता है, वो दाव पेज जिहड़े हैगे उन्हां दा गलत यूज़ ना हो सके, इस करके ये कट किया गया है। प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है कि बेटा जिहड़े विधान पालिका ने कानून बना दिते, लैजिस्लेटिव ने जो कानून बना दिते और एग्जीक्यूटिव ने जिहड़े कानून लागू कर दिते, न्यायपालिका ये देखती है कि वह संविधान वह जिहड़े कानून ने वह अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई कानून जिहड़ा हैगा वह संविधान के विरुद्ध नहीं है, संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका जिहड़ी हैगी है उसनूं असंविधानिक घोषित कर सकती है। लेकिन बेटे याद रखे जुडिशियल रिव्यू का जिहड़ा राइट है न्यायपालिका अपने आप नहीं कर सकती, क्योंकि ये ता ही यूज़ किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति या फिर इंस्टीट्यूशन विधान पालिका या कार्यपालिका द्वारा बनाए और लागू किए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चैलेंज करता है।
समझ आ गई? सपोज दैट फॉर द एग्जाम्पल कि मैं क्लास नहीं लेती, ठीक है, मैं अज क्लास नहीं लेती हैगी, तो प्रिंसिपल मैम अगर मैं कहन कि तुसी क्लास क्यों नहीं लेती, इहदा जवाब दो मैनू, है ना, तो मैं उन्होंने एक ही गल कहूँगी कि मैडम थानू किवें पता है कि मैं क्लास लेती या नहीं लेती, क्योंकि वह भी मैनू क्वेश्चनिंग तद तक नहीं कर सकते जब तक थोड़े चो कोई बच्चा उठ के मेरी शिकायत ना कर दे। समझ आ गई? उस तो बाद है बेटा रूल ऑफ लॉ, साढ़े कानून का शासन है संविधान की धारा 14(3), हर एक व्यक्ति कानून के सामने समान होएगा, चाहे वह किसी भी रंग जाति नसल धर्म के आधार पर होवे, लिंग के आधार पर होवे, किसी भी परसन के नाल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। समझ आ गई बेटा? रूल ऑफ लॉ मीनस देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सैक्स कलर के बिहाफ से। ओके, बेंच सिस्टम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बेंच प्रणाली है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भी जो कोई फैसला लेंदा एक बेंच प्रणाली बैठती है, बेंच मीनस जिसे 4 या 5 जजेस बैठते हैं और वो फैसला जॉइंटली होकर लेंदे ने। ओपन हियरिंग ऑफ ट्रायल्स, मुकदमिया की खुली सुनवाई, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होंगे ने, जो भी न्यायिक व्यवस्था चलती है, जो भी कोर्ट केसिस चल रहे होंगे उन्हों की खुली सुनवाई होंगी है, कोई भी उसको जोड़ा है सुन सकता है। प्रोविजन ऑफ एस्टैबलिश स्पैशल कोर्ट्स, कभी कभी विशेष अदालतां भी जड़ियां हैगियां वो बिठाइया जांदियां ने किसी स्पैशल मुकदमे के लिए, लोक अदालतां बिठाइया जांदियां ताकि लोगों को जोड़ा है ईजीली न्याय मिल सके। महिला अदालतों का गठन, कोई ऐसा ऐसे केसिस होंगे ने जिन्हां दे विच स्पैशली महिलाओं के लिए कोई प्रोविजन करन की लोड़ है, तो वो भी की है स्पैशल वूमेन्स ऑर्गनाइजेशन वूमेन्स कोर्ट बनाए जाते हैं। जुडिशियल एक्टिविज़म, वट इज़ द डिफरेंट बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविटिज़म? एक्टिविटिज़म का मतलब की होंगे कि जुडिशियल अपनी हदा तो बाहर जाके भी काम कर सकती है। सपोज दैट कि कई बार कहो जे इलाकों के आप कह दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आ वाले ऑर्डर दिते ने, है ना, हाई जी न्यायपालिका कार्यपालिका विधानपालिका तो उपर उठ के न्यायपालिका जी है अगर उन्होंने खेत्र के दखलअंदाजी कर दी तो उसको आप कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। मुकदमिया के छेती निपटारे लिए विशेष अदालतों का गठन, जिहड़ा कि आप पहला भी पढ़ चुके हैं कि जल सारे न्याय जल्दी मिले ईजी मिले, क्योंकि बेटा जुडिशरी न्याय, जुडिशियल का मतलब की होंगे न्याय का मतलब की होंगे है कि न्याय मिले और जल्दी मिले, टाइम पर न्याय मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता ही कि अगर सपोज करो पानी की प्यास तुहानू होण लगी और पानी तुहानू कहे कि अद्धे घंटे बाद मिलेगा तो उदों तक प्यास मर जाती है। सो इस करके न्याय दे भी यही है कि न्याय जदों जिस व्यक्ति नू चाहिए उन्हूं जल्दी मिल सके, सो इस दे कारण विशेष अदालतों की गठन की जाती है। चलत अदालतों की व्यवस्था, चलत अदालतों होंगे बेटा तुरदियाँ फिर अदालतों जिहड़ियां कि फैसले कर दियां ने। उस तो बाद समाजिक न्याय बेंच व्यवस्था, ये भी की है कि कई हज़ार मुकदमे जोड़े बहुत लंबे टाइम तो अटके हुए हैं उन्होंने स्पैशल निपटारे लिए भी जी है स्पैशल अदालत जड़िया है वो बैठती है। ठीक है, सो हूँ आता है बेटा बस इस तो अज आप इन्ना ही करा। ठीक है, नैक्सट जोड़ा है कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो आप कल करा। ठीक है।